मैंने कभी अपने करियर के डिसीजंस खुद से नहीं लिए, जो मम्मी पापा ने कह दिया या जो रिलेटिव्स ने सजेस्ट कर दिया या जिस कोर्स में मेरे फ्रेंड्स एनरोल कर रहे थे उसी में मैंने भी एडमिशन ले लिया. बेसिकली आई वॉज मोर इन टू मंकी सी मंकी डू काइंड ऑफ सिचुएशन. बट इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कौन सी फील्ड या कौन सा करियर आपके लिए सबसे राइट फिट है, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा लाइफ तो काम करने में बीत जाती है. 24 आवर्स में से 9 टू 10 आवर्स तो हम बस जॉब को डेडिकेट करते हैं. एंड फिर ऐसा करियर चूज करना जिसमें रोज आपको ना खुद को पुश करना पड़े कि भाई जाओ काम पे जाओ, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो अपने कुछ एक्सपीरियंस और जो किताबें मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ी हैं उनमें से कुछ एडवाइजेस शेयर करना चाहती हूँ विच कैन हेल्प यू टू सिलेक्ट द राइट करियर फॉर योर सेल्फ. सो या लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो माय फर्स्ट एडवाइस टू यू वुड बी टू ट्राई आउट मल्टीपल थिंग्स. जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और हम क्लूलेस होते हैं कि भाई लाइफ में करना क्या है, देन द बेस्ट अप्रोच इज टू ट्राई आउट एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल विच आर अवेलेबल टू यू. जैसे एक आर्टिस्ट बहुत सारे मीडियम्स ऑफ आर्ट ट्राई करता है कि वो स्केचिंग भी करेगा, क्ले पेंटिंग भी करेगा, ऑयल पेंटिंग भी करेगा. बहुत सारे मीडियम्स ऑफ आर्ट ट्राई करने के बाद पता चलता है कि उसकी मास्टरी और उसका इंटरेस्ट कौन से मीडियम ऑफ आर्ट में, फिर वो उसको परस्यू करता है. तो वैसे ही अगर हम अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हमारे लिए सबसे बेस्ट फिट क्या है. इनफैक्ट मैंने भी ऐसे ही किया था. जब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे अगर जॉब नहीं करनी है तो उसके अलावा क्या करना है, तो मैं वर्कशॉप्स अटेंड करती थी या फिर कोर्सेज एक्सप्लोर करती थी. एंड मेरे टाइम पे तो इतने ऑप्शंस थे भी नहीं, आज तो फिर भी बहुत ऑप्शंस है कि AI हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, UX/UI डिजाइन हो गया, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इन सब के या तो वर्कशॉप्स या तो यूट्यूब वीडियोस या तो कोर्सेज आप अटेंड करके ट्राई कर सकते हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट फिट कौन सा. मेरे कंटेंट क्रिएशन के एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग फिलहाल काफी ज्यादा बूम कर गया. इनफैक्ट लिंक्डइन पे तो डिजिटल मार्केटर टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड जॉब्स में से है. एंड आज के टाइम पे मार्केटिंग हर कंपनी के लिए एक मेक और ब्रेक है. जैसे जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू. माइका विद अपग्रेड एज देयर टेक्नोलॉजी पार्टनर has a digital marketing certification program that can be a game changer for you. Now, this program has empowered over 15,000 learners across 80 plus batches, many of whom are working at top companies like Amazon, Google, Flipkart and Zomato. बट मुझे इस कोर्स की सबसे बेस्ट पार्ट यही लगती है कि आप इसे अपने फुल टाइम जॉब के साथ भी कर सकते हो. ऑल्सो माइका नोन फॉर इट्स एक्सेलेंस इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एड्स लाइक एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर क्वालिफिकेशन. इन दिस प्रोग्राम यू विल गेट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम सीनियर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स एट टॉप कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, एप्पल, Uber, Unilever and stellar Mica faculty like Palguni and Siddharth. And overall, ये एक 4 months program है जो hands-on experience में focus करता है, जिसमें आप real Google और Meta ads run कर पाओगे. And आप इसे 12 months की no cost EMI पे भी ले सकते हो at ₹6,458 per month. And I feel कि learning journey start करने के लिए this is quite an affordable price. So if this field interests you, check out a special link in the description for a ₹5,000 scholarship while enrolling in this program. And ऐसा भी हो सकता है कि हमने 10 चीजें try कर ली हैं, but हमें अभी भी नहीं पता कि हमारा career कौन से field में बनना चाहिए या हमारा interest कौन सी field में. तो ऐसे सिचुएशन में स्मार्टेस्ट डिसीजन वुड बी टू हैव अ फुल टाइम जॉब फर्स्ट. एक सिक्योर जॉब ले लो जिससे आपको यू नो इनकम आती रहे, उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें यू ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स कि मैं और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ. द सेकंड एडवाइस इज टू नीश थिंग्स डाउन. सी, फाइंडिंग द राइट करियर ऑफन स्टार्ट्स विद नोइंग योरसेल्फ बेटर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बस खुद को लेबल कर देते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है. बट डॉक्टर एज अ करियर एक बहुत ही ज्यादा वाइड फील्ड है. आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि इस प्रोफेशन का आपको कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. क्या आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, क्या आपको किसी सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करना अच्छा लगता है, क्या आपको खुद का क्लिनिक ऑपरेट करने में ज्यादा मजा आता है, या आपको मेडिकल रिसर्च करने में ज्यादा इंटरेस्ट है. उस बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको फैमिली मेडिसिन में ट्राई करना चाहिए या फिर आपको फार्मास्यूटिकल रिसर्च ट्राई करनी चाहिए या पैथोलॉजी ट्राई करनी चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि जो करियर ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो या जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट बना लो. And then try to niche the profession down into all the processes that are involved in that field. But ये self-awareness का process शायद थोड़ा difficult हो सकता है, तो मैं कुछ ऐसे self-reflective questions आपके साथ share कर देती हूँ. Please take a screenshot and try to answer them so that it can help you to find the right career for yourself. मैं एक और example देती हूँ. Let's suppose आपको actor बनना है. आपकी मिमिक्री और डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आप एक्टर बन जाओ. बट एक एक्टर सिर्फ मिमिक्री नहीं करता है, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी चाहिए, बहुत सारी स्किल्स भी चाहिए, थिएटर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, कैमरा कॉन्फिडेंस चाहिए, गुड लुक्स चाहिए, बहुत सारी एडिशनल चीजें इन्वॉल्व होती है एक एक्टर कहलाने के लिए खुद को. बट अगर आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी के बेसिस पे एक एक्टर बनना चाहोगे जिसमें आप लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर ऑडिशंस दे रहे हो, तो शायद आप सिलेक्ट ना हो और मे बी वो चीज आपको डीमोटिवेट कर दे. इसलिए अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, तो मे बी आप वॉइस एक्टिंग ट्राई कर सकते हो या कॉन्टेंट क्रिएशन ट्राई कर सकते हो या पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर सकते हो. इससे आप अपने टैलेंट का बेसिकली सही से इस्तेमाल कर पाओगे.
Then the third is to find your strength and weaknesses. अपने strength और weaknesses पता करना एक right career decide करने के लिए बहुत ही ज़्यादा crucial चीज़ है. And most of the times हम अपने strength और weaknesses outcome के basis पे decide करते हैं. But मैंने अली अब्दाल का एक बहुत पुराना video देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि strength are those activities that gives you energy and weaknesses are those activities that drains energy out of you. And I totally agree with. मतलब आप साइंस में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, यू नो, रात भर जाग के थोड़ा रट्टा वट्टा मार लिया, पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे नंबर आ गए, बट पढ़ने के बाद आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, आपको साइंस पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता. तो ये आपकी वीकनेस ही है नो मैटर आपने कितना हाई स्कोर किया हो साइंस में. ऑन द फ्लिप साइड, लेट सपोज आपको राइटिंग का शौक है, यू नो, आप पोएम लिखते हो रोज रात को सोने से पहले या पोइट्री लिखते हो, बट आप अभी उसमें फिलहाल इतने अच्छे नहीं हो, तो भी ये आपकी स्ट्रेंथ ही हुई क्योंकि ये आपको एनर्जी दे रही है, ना कि आपसे एनर्जी वापस ले रही है. ऐसे ही आपको भी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की. अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, इसलिए जो क्वेश्चंस मैंने अपने सेल्फ अवेयरनेस टाइम पे यूज किए थे वो क्वेश्चंस की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. भाई बिना पेन और पेपर के ना तो ये एक्टिविटी होने नहीं वाली. अगर आप जेन्युइनली बहुत सीरियस हो अपने करियर को लेके, देन प्लीज सिट, टेक सम टाइम आउट, आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फिगर आउट कि भाई लाइफ में करना क्या है, आप अभी किस पोजीशन पे हो और कहाँ आपको जाना है. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जब आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अपनी एनर्जी के बेसिस पे फाइंड आउट करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी तो मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ. जैसे मेरे केस में मीडिया फील्ड तो मेरे लिए एकदम ही नहीं थी, मैं उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट मेरा इंटरेस्ट था तो मैं फटाफट चीज़ों को सीखती चली गई. तो ऐसे ही आपको लगेगा कि भाई कुछ चीज़ों में आप अच्छे नहीं हो, लेट्स से कम्युनिकेशन में आप अच्छे नहीं हो या मार्केटिंग में आप अभी इतने अच्छे नहीं हो, बट आपको वो करने में मजा आता है, तो वो आपको स्ट्रेंथ में ही कंसिडर करना है. And you have to be completely fine with it अगर आप फिलहाल उसमें अच्छे नहीं हो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप क्यूरियस इंसान हो, तो आप उसमें फटाफट ग्रो कर जाओगे. Then the last advice is to seek help and educate yourself. पहली चीज़ तो जो भी करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, मेक श्योर कि आपने उसके बारे में थरोली रिसर्च कर रखी है, एकदम ए टू जेड प्रॉपर रिसर्च करनी है. टाइम निकालो और रिसर्च करना शुरू कर दो, बहुत सारे वेबसाइट्स देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कॉल करके पूछो कि उनके पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं. इतना ना शर्माने की जरूरत नहीं है, अपने लिए स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, तो कॉल करो एकदम बिंदास, 10-12 बार कॉल करो, लोगों को परेशान कर दो, सीक फॉर हेल्प. जब तक आपको आंसर्स नहीं मिले 10-15 लोगों से बात करो, सिर्फ एक दो से बात करके कुछ नहीं होने वाला. अनदर थिंग दैट आई कुड सजेस्ट इज बेसिकली रीच आउट टू अ करियर काउंसलर. वो थोड़ी सी एक फीस चार्ज करेंगे, वन टाइम फीस होती है, बट इट्स गुड, आपको थोड़ा बहुत जानने का मौका मिलेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपको किस तरीके का फील्ड ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए, एंड क्या क्या ऑप्शंस आजकल मार्केट में अवेलेबल है. बट अगेन, उस करियर काउंसलर एक हाई चार्ज करता है एंड थोड़े बहुत स्कैम्स भी चल रहे होते हैं इस करियर काउंसलर के, जहाँ तक मैंने सुना है. अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो आप एक फ्री तरीका भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप करियर एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हो या पर्सनैलिटी टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हो. तो मैं कुछ ऐसे जेन्युइन लिंक्स दो वेबसाइट्स के जो मुझे मिले हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो एक बार जाके आप वो टेस्ट देने की कोशिश करो, सो दैट आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए. बट अगेन, किसी भी काउंसलर के पास जाने से पहले या कोई टेस्ट देने से पहले आपके पास रिसर्च होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो एंड उस फील्ड की डिटेल्स क्या है. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक इट, आई होप इट वॉज हेल्पफुल. मैं किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्प कर पाई आपका करियर डिसाइड करने में तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी इस बात की. बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लो और उनको आप आंसर करो. आंसर करने के बाद चाहिए तो मुझे एक बार ना इंस्टाग्राम पे DM कर देना, सो दैट आई गेट टू नो कि भाई मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ वो एक्चुअल में किसी के काम आ रहे हैं, वो किसी की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज liked it. This is the summary of the video in case you want to take a screenshot. And don't forget to check out the Digital Marketing Certification Program by Mica. The link would be in the description and in the pinned comments. And yeah, that's all. Please comment me apna takeaway zarur batana and do like the video if you liked it. Do subscribe to my channel for more such videos and I'll see you guys on next week. Stay tuned. See you soon. Bye.